देखिए, विजयादशमी का मेला चल रहा था दसई पोखरा पे, यहीं के निवासी हैं रिंकू यादव। इनका पुत्र है 2.5 महीने का, 2.5 साल का है विवेक यादव, और ये 19:10 को लगभग शाम 6 बजे घर से गायब हो गया। घर वालों ने खोजा, जब नहीं मिला तो रामलीला कमेटी और बच्चे के पिता ने थाना दक्षिण टोला पर यह सूचना दिया, जिस संबंध में एक FIR पंजीकृत की गई, 113/18 किडनैपिंग की। काफ़ी प्रयास के बाद इंस्पेक्टर दक्षिण टोला के अथक परिश्रम और उनकी टीम के सहयोग से काशीराम आवास कधेरी, ये रूम नंबर 180 है और ब्लॉक नंबर 15 है, यहाँ इस कमरे से जो सराय लखनसी थाने में है ये बच्चा बरामद किया गया। और जो इसकी किडनैपर है पूजा, वाइफ ऑफ सुनील गौड़, लगभग 30 साल उम्र है, इसके भी 2 बच्चे हैं, झाड़ू पोछा आदि का काम करती है, पति इसके साथ नहीं रहता है। इसके द्वारा किडनैपिंग करके 2 दिन से उसको रखा गया था कमरे के अंदर बंद करके, और इसका उद्देश्य काफ़ी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, बहुत शुरुआती स्टेज है, लेकिन इसका उद्देश्य ये बेचना लग रहा था बच्चे को, किसी गैंग को बेचने का प्रयास कर। हम लोग आगे के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे किसने और लोगों किसकी इन्वॉल्वमेंट है। फिलहाल ये बच्चा मिल गया है और ये बहुत अच्छी खबर।